तो आज की काफ़ी घनी परीक्षा है, बहुत खतरनाक ट्रैफिक है। पंजाब से आए मेरे स्टूडेंट, क्या इस ट्रैफिक में ये कार चलाएंगे? वीडियो के लास्ट तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आपने वीडियो देखी होगी कि भाई की जो पंजाब से आए थे मेरे पास गाड़ी सीखने के लिए, उनको डायरेक्टली मैं रामनगर ट्रैफिक में कार चलाना सिखाया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में आपको ट्रैफिक वाली ऑल वीडियो में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फिलहाल आज सोनी साहब से मेरी यही दरख्वास्त है, मेरा चेक पास कर दें, बहुत दिनों से रुका पड़ा है। तो ये चला रहे हैं काशीपुर ट्रैफिक में कार, आज इनका ट्रैफिक में काशीपुर का फर्स्ट डे है। तो पहले दिन में ही ये कार चलाएंगे या नहीं चलाएंगे तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल अब ये पहले दिन में ही काशीपुर में कार चला रहे हैं और मैं इनको सिखाऊंगा। जैसे लगता तो नहीं है कि मेरे सिखाना पड़ेगा, अगर पड़ता है तो ज़रूर बताऊंगा। तो जो भी कुछ भी सिखाऊंगा तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आप ही आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। निकालो साइड से। तो जैसा मैंने पंकज भाई बता रखा आपको, पर स्माइल बड़ी कातिल है यार, हैं क्या राज है इस स्माइल का? बिल्कुल झटका ना लगे सेटिंग। कितने हॉर्न बजा रहे हैं यार, एक हॉर्न बजा के भी निकल सकते हैं ये लोग। अरे तो होगी, अपने घर की होगी, दुनिया भर के हॉर्न बजाना जरूरी हो रहे क्या? तो ऐसे ऐसे कभी कभी आक्रोश होना पड़ जाता है, दिमाग को शांत करना पड़ता है ड्राइविंग में। क्या करें, कूल माइंड, तभी मैं सिखा पाऊंगा इनको। और मैं खासकर इन लोगों का गुस्सा इनके पैरों पर निकाल देता हूँ। क्यों? ये गड्ढे बचाओ भैया, गड्ढे बचाने के लिए हैं, पर गड्ढे में डालने के लिए नहीं है गाड़ी यार। कहाँ यार, काम धंधा चल नहीं रहा है यार, क्या करें यार। जा रहे स्टूडेंट कहाँ है, 13-14 ही होंगे दिन के बस। तो काशीपुर का भी हमने अंडरपास तो कह रहा हूँ यार, ये क्या बोलते हैं इसको, रेलवे कॉलोनी का रेलवे फाटक यार। तो रेलवे फाटक पे ध्यान, रेलवे क्रॉसिंग करते समय किन बातों का ध्यान देने चाहिए, वो मैंने बना रखी है उसके बारे में वीडियो, वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो हर चीज़ की मैं वीडियो बना चुका हूँ, किसको ड्राइविंग करते समय अगर कोई समस्या होती है तो मुझसे वो कमेंट में पूछ सकता है। दुनिया भर के गड्ढे हो रहे हैं, ये गड्ढे में अगर झटका लगा ना तो टांगे तोड़ दूंगा मैं। इधर कैसे कट मार रहा है, ओ तेरी। अच्छा, तो जैसा कि मैंने पंकज भाई के बारे में पहले भी काफ़ी कुछ तारीफ कर चुका हूँ, मैं क्या ही कहूँ मैं अब इनके बारे में। कुछ बचा है तो पंजाब से भी मेरे पास सीखने के लिए आ रहे हैं। फैन फॉलोइंग बड़ी तगड़ी हो गई मेरी। तो सामने ये जो ट्रैफिक दिख रहा है ना, तो ये मुझे बताना ना पड़े कब कहाँ पर क्या करना है, ठीक है? बहुत बढ़िया दोस्तों, इन्होंने सेकंड गियर इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्राउड वाला एरिया हो गया और स्पीड हमारी कम हो जाएगी। तो जो गाड़ी की स्पीड हो जाएगी वही आपने गियर करना है। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि कब कौन सी स्पीड में कौन सा गियर होना चाहिए। जिन्हें नहीं पता वो मेरी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। चचा ने अरे दीदी क्या है भाई साहब, पहले हाथ रुकने के लिए दे रहे हैं फिर वो खुद रुक रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता करना क्या है। तो आज की काफ़ी घनी परीक्षा है, बहुत खतरनाक ट्रैफिक है। पंजाब से आए मेरे स्टूडेंट, क्या इस ट्रैफिक में ये कार चलाएंगे? वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अब जैसे हम यहाँ चले ना तो डिवाइडर चिपका के चलोगे, ठीक है? डिवाइडर चिपका के इसलिए क्योंकि लेफ्ट साइड का आपका एक्सीडेंट रहेगा, राइट साइड का आपका एक्सीडेंट ख़त्म हो जाएगा, तो हमारी एक तरफ की सुरक्षा पूरी हो जाएगी, तो इसलिए डिवाइडर चिपका करके। और अगर हमें इजीली हमने राइट टर्न करना हुआ तो हम अपनी साइड में तो वहीं आराम से राइट टर्न कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ठीक है? तो जब भी डिवाइडर आए तो आपने डिवाइडर को चिपका करके चलना है, इस डिवाइडर से ना चिपका करके चलना है, सेफ रहोगे आप, सुरक्षित रहोगे। अब यहाँ पर किस चीज़ का जाम लग रखा है ये, और आगे चलो, उसके सामने वाली गाड़ी के टायर देखने जब बंद हो जाए तब वहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर
फर्स्ट गियर। हाँ यार फोन आ गया था मेरा तो सारा ट्रैफिक, लेकिन अभी भी काफी कुछ है आगे को देखने को मिलेगा। ट्रैफिक बहुत खना हो रहा था ना, लेकिन अरे वो फोन आ जाते ना अब यार, ये है फोन में बात करना भी है। चलो वैसे तो दोस्तों गाड़ी बहुत अच्छी चला रहे हैं, काफ़ी कुछ मज़ा ही आ गया इनकी ड्राइविंग में, मुझे तो बताना नहीं पड़ रहा फिलहाल, बहुत बढ़िया। साथ ही बोल रहे थे कि गुरुजी जैसे गाड़ी सीख जाऊंगा पूरी तगड़ी वाली पार्टी दूंगा आपको मैं, सही बोला मैंने? देख के इसका देखो अरे जहाँ तहाँ वहाँ गाड़ी रोक के खड़े हो जा रहे हैं यार ये, अरे बहुत जैसे ड्रामा और इंडिकेटर भी नहीं दे रहा, देखो देखो दोस्तों इंडिकेटर भी नहीं दे रहा, गाड़ी टर्न कर ली पूरी इसने। तो जब भी वाहन को लेफ्ट या राइट टर्न करें या पार्किंग करें तो हर समय क्या मस्त हॉर्न लगा रखा है इसने, ओहो इस गाड़ी वाले ने क्या मस्त हॉर्न लगा रखा है, कान फट गए मेरे कान। तो जब भी आप गाड़ी, अबे भैया बोलने दो, भैया बोलने दो। तो जब भी गाड़ी को लेफ्ट राइट पार करें या टर्न करें तो इंडिकेटर का इस्तेमाल हमेशा करें, ठीक है? क्या मस्त गाड़ी चल रही है, कितना अच्छा पोल्यूशन छोड़ रही है, ओहो देखो देखो धुआं देख रहे कितना छोड़ देती हो। अब ये सर्विस भी तो करवा सकता है गाड़ी की, आधे ज़्यादा पोल्यूशन तो इन लोगों की वजह से होता है। तो हमेशा अपना पोल्यूशन चेक कराते रहें, आप अगर पोल्यूशन आपका ख़राब जाए तो आपने वाहन की सर्विस कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जैसे कि भाई देखो राइट टर्न करा, इंडिकेटर दे रहा है, ये बहुत अच्छा कर रहा है। तो ऐसे ही ये देखो ये कहाँ आया, लेकिन देखो देखा एक से एक कलाकार हैं, मरते मरते बचे हैं जब तक मैं बैठा हुआ मैं हाँ गजब घुमा को चौथा गियर कर दिया, दूसरा गियर होना चाहिए था यहाँ पर क्योंकि स्पीड सेकंड गियर की हो गई थी। करो चल कहाँ लेकर आ रहे हैं गाड़ी, कहाँ लेकर आ रही है बताओ, पूरी रॉन्ग साइड गाड़ी लेकर के आए हैं। मुझे तो इतना ना आप लोगों से डर नहीं लगता, इतना इन लोगों को डर लगता है यार, ये आड़े तेने जो चलते हैं ना लोग, ये नियमों की जो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं इन लोगों ने बहुत ज़्यादा। सबों के बीच काफ़ी सन्नाटा छाया हुआ है, थक चुके हैं बेचारे, परेशान हो चुके हैं। तो सभी लोग हाईवे पे दे इन बातों का ध्यान देना जो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? सब लोग राइट साइड चिपका के चलोगे डिवाइडर से, आप अगर किसी का ओवरटेक करोगे तो आप लेफ्ट साइड से करना, ठीक है? क्योंकि वो राइट साइड डिवाइडर ही चिपका के चलेगा हमारी तरह, तो हमारा भी ओवरटेक जो भी करेगा वो लेफ्ट साइड से करेगा, ठीक है? उस वाहन का ओवरटेक राइट साइड से लेंगे जो लेफ्ट साइड चिपकाते हुए चलेगा, लेफ्ट साइड ज़्यादा चिपकाते हुए छोटे वाहन चलते जिनको रुक रुक के चलना होता है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने डिवाइडर से क्लोज होकर के चलना है। स्पीड लिमिट अभी यहाँ पर जिसमें हम चल रहे हैं यहाँ पर 30 है, आगे जाएंगे तो आगे 55 हो जाएगी स्पीड लिमिट। तो डिवाइडर में चिपकाने का फायदा ये होता है, एक तो आपका राइट साइड का जो एक्सीडेंट है वो खत्म हो जाएगा, अगर आपको इजीली राइट टर्न करना हुआ तो आप राइट टर्न कर सकते हो, समझ लो। हाईवे पे ध्यान दें, जब भी आप ओवरटेक करोगे राइट से लेफ्ट आओगे या लेफ्ट से राइट जाओगे तो पहले इंडिकेटर दोगे जिसे बोलते हैं लाइन चेंज करना, तो जब इंडिकेटर दोगे उसके बाद ये चीज़ करोगे आप, ठीक है? तब आपने ओवरटेक करना है, ओवरटेक करते समय हॉर्न देना है, इंडिकेटर देना है लाइन चेंज करने के लिए, उसके बाद जब ओवरटेक कर लोगे तो फिर इंडिकेटर देना है राइट साइड का, फिर आपने लाइन चेंज करके चल देना सीधे, ठीक है? बहुत बढ़िया दोस्तों, कैसी लगी सोनी साहब की ड्राइविंग कमेंट में जरूर बताना, और अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाना। इसका नाम है बी के मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।